सुल्तानपुर में सोमवार को अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया। अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। दरअसल सोमवार को अयोध्या से वाराणसी जाते हुए परमहंस आचार्य सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर बाईपास तिराहे पर थोड़ी देर के लिए रुके। इस दौरान जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो रायबरेली से सोनिया गांधी के विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पागल हो गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा स्वामी रामभद्राचार्य जी के ऊपर की गई टिप्पणी को अशोभनीय और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम का दर्शन करने आई श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी की दो याचिकाकर्ता सीता साहू और मंजू ब्यास जी के साथ वाराणसी जा रहा हूं बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने। इस दौरान मीडिया से बातचीत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की याचिकाकर्ता सीता साहू और मंजू व्यास ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला का दर्शन कर वाराणसी लौट रहे हैं, क्योंकि काशी में 31 सालों से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद थी जो शुरू हो गई है। हम लोगों ने माना था कि हम लोग हवन यज्ञ करवाएंगे और गुरु जी आचार्य परमहंस जी के द्वारा हम लोगों ने हवन यज्ञ करवाया, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की है। स्ट्रीट बर्स के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी इस समय पागल हो चुकी है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी को लेकर के अति अशोभनीय निंदनीय बयान दिया है। उसने कहा है कि रामभद्राचार्य जी बीमार हुए तो उनको राम के पास जाना चाहिए, तो राम के पास न जा करके अस्पताल चले गए, विज्ञान के पास चले गए। इस तरह से वो जो बयान दिया, यह सपा के विनाश का समय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का अब विनाश नज़दीक आ गया है। इसीलिए सपा के जो नेता हैं वो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं जिसको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। महाराज जी, आज आपका वाराणसी के लिए आप जिस तरह से आपकी यात्रा है, तो क्या कोई खास मकसद है वाराणसी जाने का? खास मकसद है, अयोध्या का विवाद खत्म हुआ और बनारस का विवाद खत्म करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, और उसमें से कुछ याचिकाकर्ता भी हमारे साथ में हैं, और भगवान आदि विश्वेश्वर का भी पूजन अर्चन बहुत जल्दी शुरू होगा। इसी संदर्भ में हम लोग जो है बनारस जा रहे हैं। महाराज जी, पिछली बार आपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, तो क्या इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या कहां से ताल ठोकना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि जब राम राज्य है तो राम राज्य स्थापित करने के लिए तो हम लोगों को आना पड़ेगा ना। नहीं तो जो लोग राजनीति को पैसा कमाने का और केवल सम्मान पाने का जो है तो समझते हैं, वो उनकी मानसिकता गलत है। राजनीति जो है जनता की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए है। राजनीति उसे कुशल जो है राजनेता वो है जो अपना भी खो दे, जो पद प्रतिष्ठा और धन कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने पास जो है वो भी उसमें लगा दे, वो कुशल राजनेता होता है। तो हम लोग तो महाराज हैं वैसे, लेकिन फिर भी इस बार 2024 में रायबरेली लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीमो हैं सोनिया गांधी, उनके अपोजिट मैं जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, और इस बार कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। आपका? मेरा नाम है मंजू व्यास, मैं ज्ञानवापी की याचिकाकर्ता हूं। मंजू व्यास, आज कैसे आपका इधर आगमन हुआ? हम लोग अपने रामलला के दर्शन करने आए थे और हम लोग ने रामलला से यही आशीर्वाद लिया है कि पुनः अब हमारे बाबा का भी सर्वे करा करके और दूध का दूध पानी कर दीजिए, और पुनः वहाँ जैसे आपका भव्य मंदिर बना है आज हमारे महादेव जी का भी मंदिर बने। हम लोग चारों बहनें हैं, रेखा पाठक, सीता साहू और मेरा नाम खुद मंजू व्यास है और लक्ष्मी देवी, हम लोग सभी लोगों ने मिलकर चार बहनों ने याचिका डाली थी। आज हम लोग बहुत ऊंचाई पे, आज हम लोग की बहुत बड़ी विजय हुई है। इस जीत से हम लोग आए थे, बाबा के दर्शन किए और गुरु जी के साथ हम लोग ने मिल करके और यज्ञ किया, हवन किया है कि अब हमारे आदिशेश्वर भगवान जी का भी मुक्त हो और नंदी की तपस्या खत्म हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता साहू है, सिंगार गौरी ज्ञानवापी की याचिका करता हूँ। तो आज कैसे आपका इधर अयोध्या से सुल्तानपुर आना हो रहा है? मैं सीता साहू और मेरी बहन मंजू व्यास, हम दोनों लोग अयोध्या गए थे। हम लोग को बहुत हर्ष हुआ था जब हम लोग
व्यास जी के तहखाने का पूजा पाठ शुरू हुआ जो कि 31 वर्षों से बंद था, तो उसी में हम लोग माने थे कि अगर वहाँ शुरू होगा तो हम लोग जाएंगे, हवन यज्ञ करवाएंगे। और हम लोग इसीलिए अयोध्या गए थे, रामलला का दर्शन किया और गुरु जी द्वारा वहाँ पर हम लोग ने हवन यज्ञ करवाया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग वापस लौट रहे हैं क्योंकि एक जीत हम लोग को बहुत बड़ी मिली है।